हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त जतिन कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक रूम पे रुक गए थे, थकावट की वजह से मैं कल ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो देखिए ये रूम है, और बाकी कन्हैया भाई जो है अभी फ्रेश होने गए हुए हैं, और आदि भाई आ चुके हैं सुबह 6 बजे। और मैं अगर आपको टाइम बताऊँ तो सुबह के बज रहे हैं 9:45। अब हम बाहर निकल रहे हैं, घूमने फिरने जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे मैं आपको दिखाऊँगा। अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो टाइम जो हो रहा है 11 बज रहे हैं, और हम जा रहे हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर है, और रोड देख सकते हैं कितना प्यारा है, और खिलखिलाती हुई धूप, ठंडी ठंडी हवा, और उस पर राइड करते हुए हम तीन दोस्त। हाँ, यहाँ सारे ये हिमालय की रेंज है जिसमें वो अटके हुए हैं। अच्छा दोस्तों, अभी आदि भाई ने बताया वो जो उधर बादल दिख रहे हैं ना, यहाँ से पूरी हिमालय की, तो वो हिमालय की रेंज दिखती है। बट अभी थोड़ा वहाँ की तरफ फॉग हो रखा है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। कैमरे में नहीं दिखेगा, वैसे हमें हल्की हल्की दिख रही है। पहाड़ों के जो रोड होते हैं ना, मतलब डेंजर तो होते हैं लेकिन बहुत से बहुत प्यारे भी होते हैं। ले ले दो भी घर यहाँ पे भाई, सपना तो है मेरा। तो मैं आपको जमीन की बात बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, यहाँ क्या है, क्या हिसाब बताया था तुमने? 30 नाली, वो तीन नाली मिनिमम, तीन नाली लेनी पड़ेगी। हाँ, तो 30 लाख के आसपास ना। अच्छा, मतलब तुम ये जो बता रहे थे चुंडई के पास बता रहे थे ना। हाँ। अरे भाई नाली का क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। अरे एक्चुअली नाली का क्या हिसाब होता है, एक नाली होती है 240 गज। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लैंड लेते हैं रहने के लिए फ्यूचर में, तो उसका क्या हिसाब है? यहाँ पे मिनिमम 3 नाली लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है? और इन्होंने बताया था आदि भाई ने कि वो 3 नाली जो है ना 30 लाख, 30-32 लाख तक मतलब पड़ेगी। अच्छा जी। ये चुंडई के आसपास का मतलब जो एरिया है वाला, यहीं पे। यार रोड की सच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ से दूसरा रोड कट गया है ना, लेफ्ट साइड। अभी एक लोकेशन पर रुके हैं, यहाँ पे जो व्यू है बहुत प्यारा आ रहा है बैक साइड पे। और यहाँ पे क्या है सीन, दो रास्ते कटे हुए थे, तो दोनों रास्ते ताड़केश्वर के लिए जाते हैं, लेकिन एक रास्ता जो था वो बंद कर दिया गया, तो हम दूसरे रास्ते पर आए हैं। अगर मैं व्यू की बात करूँ तो ये देखिए, ये गोकू खड़ा है यहाँ पर, और व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। जब पहाड़ों पे एकदम से अंधेरा आ जाता है, एकदम से छाव जो आती है ना, वो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स देती है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। एक तो ठंडक बहुत हो रही है, जैसे जैसी छाया आती है वहाँ वहाँ ठंडक लगने लगती है, और मैं शॉर्ट्स में हूँ। और यहाँ से तकरीबन ताड़केश्वर महादेव मंदिर 10 किलोमीटर का राउंड रह गया है। वो जो ठंडक होती है ना, ज़्यादातर देवदार के जो पेड़ होते हैं उनकी वजह से होती है, क्योंकि वो ठंडे होते हैं पेड़। यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर की जो दूरी है 5 किलोमीटर रह गए, और ये जो लेफ्ट साइड है यही ताड़केश्वर मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। पहाड़ों में जो रोड होती है ना वो बहुत नैरो होती है, तो बहुत ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है। अब कर दिया बाइक बंद, पेट्रोल की सेविंग स्टार्ट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका कोई पहाड़ी दोस्त होता है तो आप सच में बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि उनके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि मेरे एक नहीं मेरे कई पहाड़ी दोस्त हैं, जिसमें से एक आदित्य भाई है जो लैंसडाउन में रहते हैं, और दो हैं अक्षय और गौरव जो कि अल्मोड़ा रहते हैं, और एक है रानीखेत में रहते हैं। तो इनके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि आप जब भी घूमने आते हैं तो इनके यहाँ पर
रुक सकते हैं, ठीक है, और घुमा भी सकते हैं लोकल में काफ़ी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इन्हें हिडन चीज़ें पता होती है पहाड़ों में। तो मुझे पता नहीं था ताड़केश्वर महादेव का मंदिर का, ये भी आदित्य भाई ने बताया था, और एक मंदिर और बताया था, वो कौन सा बताया था, वो मधु गंगेश्वर, ठीक है। उसके ऊपर तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो बहुत ही रेयर थी, तो अब जाएंगे देखते हैं, अगर हमें टाइम हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। फ़िलहाल तो आगे हम पहुंचने वाले हैं, जैसा कि बता दिया मैंने, 5 किलोमीटर रह गए ताड़केश्वर महादेव मंदिर। मंदिर बस पहुंच गए हैं, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल से लगे हुए हैं प्रसाद वरसाद के लिए। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे छोटी सी मार्केट है और बाकी ये पार्किंग एरिया हो गया, और मंदिर का जो रास्ता है यहाँ से ना, चले फिर प्रसाद लेना है क्या, तो तुम हेलमेट पकड़ के खड़े हो, चला आ जा। फाइनली ताड़केश्वर धाम आ चुके हैं, ये भाई ये हमारे ताड़केश्वर आए हैं। क्या चैनल है, नाम तेरे का आज देखिए, मेरा चैनल का नाम बैकपैकर है, बैकपैकर राइड ब्लॉगिंग या हाँ मोटर ब्लॉग, मोटर ब्लॉग मैं कह रहा, बाइक ब्लॉग भाई बहुत ठंडा पा रही है, हैंड वॉश ये ले ले तू भी, ये तो घुमाओ जाइए बस इस तक घूमना। तो आपको यहाँ पर ये बर्मा मिल जाएगा हैंड वॉश करने के लिए, और यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले। तो भाई लोग आप कहाँ से आए हो? भाई हम बिजनौर, बिजनौर से। अच्छा तुम कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। हाँ जी, जिसका वो बना अभी। चलो आगे चलते, रास्ता देखिए कितना प्यारा बना रखा है, और ये शेल्टर जो है बना हुआ है ये बहुत सही तरीके से बना रखा है, ताकि बारिश वारिश भी आती है तो पानी यहाँ इकट्ठा ना हो रास्ते में। तो अगर मैं टाइम बताऊँ तो 12:30 हो गए, हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, थकावट ज़्यादा हो गई थी। ये जो रास्ता जा रहा है ये शायद आश्रम के लिए जा रहा है, और ये वाला जो है वो मंदिर के लिए जा रहा है। चलो पहले सबसे पहले मंदिर चलते हैं। और हैंड वॉश के लिए नहीं। तो आपको यहाँ पे शूज उतारने के लिए स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे टोटियाँ बना रखी है हैंड वॉश करने के लिए, पानी आ रहा है। सो फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं मेरा। चलिए घंटियों का जो साउंड है सच में बहुत प्यारा लगता है। सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर धाम, शांति सच में बहुत ज़्यादा। चलिए महादेव से मिलते हैं। हर हर महादेव। सच में यूनिक जगह पे बना हुआ है ये जो एरिया है, ये मतलब देखने को जंगल टाइप का लग रहा है, और ये यहाँ पे जो मोस्टली पेड़ हैं वो त्रिशूल रूपी वृक्ष है। त्रिशूल रूपी वृक्ष जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, एक ही तने में से
तीन शाखाएं निकल रही है, त्रिशूल का जो आकार है वो है और महादेव यहाँ बैठे हुए हैं। मंदिर के अंदर शायद फ़ोन अलाउड नहीं है, बाकी देखते हैं अभी। चलिए इतने परिक्रमा करते हैं। और यहाँ की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि ताड़केश्वर नाम का जो राक्षस था, उन्होंने यहीं आके महादेव से वरदान के लिए ध्यान किया था, पूजा की थी और महादेव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया था अमृतत्व का। तो ये ताड़कासुर के नाम के ऊपर ही ताड़केश्वर महादेव का मंदिर रखा गया है। दोस्तों ताड़केश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं और दर्शन कर लिए हैं, बट मेरे लिए थोड़ी सैड बात है कि मैं अंदर मंदिर के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मैं शॉर्ट पहन कर आया हुआ था, तो शॉर्ट अलाउड नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ का व्यू बताऊँ तो सच में ये एक मतलब जंगल एरिया है जिसके बीच में मंदिर बना हुआ है, तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पर। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और हम वहाँ से निकल चुके हैं। लगभग हम यहाँ मंदिर से 8 किलोमीटर का राउंड आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मधु गंगेश्वर मंदिर। मौसम बहुत प्यारा हो गया, थोड़ी घटासी भी हो गई है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, मतलब बिल्कुल रोड ऐसा है ना जैसे चोपता जाते वक्त हो रहा था, सेम वही फीलिंग आ रही है जैसे चोपता में घूम रहे हैं। बस उस टाइम पर ना चोपता के जब हम गए थे अभी तुंगनाथ, तो बारिश ही बारिश थी, बस 4 रात 5 दिन से भीग ही रहे थे हम। चलें इधर, कोई यही है ना, ऐसे कुंड बने हुए हैं। अच्छा तो चलना है फिर ऊपर, चलते हैं तो 2-4 कुंड तो देखते हैं, पूरा नहीं देखेंगे तो। पर ये ऐसे दूर है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ चल रहे। तो अभी हम ये जो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं आदि भाई, बताओ भाई। हम मधुगंगेश्वर के जो टेम्पल है उसकी जो ये जो नदी है वहीं जाके मिलेगी। तो ये जो बने हुए हैं, ये वाटरफॉल जो बने हुए हैं नेचुरली है। अच्छा, इसमें ये ऑटोमेटिकली कुंड टाइप के बने हुए हैं। अभी मैंने आपको कुंड दिखाया था ना, जो छोटा सा वाटरफॉल से कुंड बना हुआ है, ये नेचुरली बने हुए हैं और यही नदी मधुगंगेश्वर से आ रही है, जा रही है। हाँ दी भाई, मधुगंगेश्वर जा रही है। अच्छा, यही नदी मधुगंगेश्वर तक जा रही है। तो अभी हम ये कुंड देखने जा रहे हैं और रास्ता देखिए कितना प्यारा छोटा सा रास्ता बना रखा, साइड में ग्रिल लगवा रखी है। ये ग्रिल अभी आदि भाई ने बताई है। हाँ बताइए आदि भाई। ना अभी लगी है। अच्छा, इससे पहले बहुत कंजेस्टेड रास्ता था। अच्छा, और ये जो नीचे ईंटें लगी हुई हैं, ये अभी लगाई है, टाइल्स जो हैं। अच्छा, ये भी अभी लगी हैं। पहले सब ऑफ रोड टाइप का होगा यहाँ पर भी। हाँ। ओके, देख सकते हैं कितना प्यारा और नेचर की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है यहाँ पर, इंसेक्ट्स की। ये रास्ता देख सकते हो कितना ख़तरनाक रास्ता है यहाँ पर, भाई लोग कैसे आ रहे हैं। अभी हमें भी यहीं जाना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है। अच्छा, ये जो अच्छा ऐसे कुंड बने हुए हैं ना, ऐसे
अच्छा। आदि भाई बता रहे हैं कि ऐसे ही कुंड ऊपर तक बने हुए हैं और वो मतलब यहाँ के लोकल हैं, तो उस वजह से ये कई बार यहाँ पर ऊपर तक जा चुके हैं और पानी सच में यहाँ पर बहुत ठंडा है। तो हम वापस जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी मधु गंगेश्वर टेम्पल। यहाँ पे जो कुंड बने हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम यहाँ पे रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करते और नहाते। बाकी आगे चलते हैं, रास्ता भी दिखा दिया मैंने कितना मतलब नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो है। ये तो सही है कि यहाँ पे ग्रिल लगा रखी है और ये टाइल्स बिछाई हुई हैं। हमारी जो बाइक खड़ी है वो उस तरफ खड़ी हुई है, तो चलते हैं आगे। सो मधु गंगेश्वर मंदिर आ चुके हैं। ये जो रास्ता है ये मधु गंगेश्वर आने का रास्ता है। गोकू यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये देखिए कितना प्यारा। साथ में जो अभी मैंने कुंड वाली नदी बताई थी ना, जहाँ से वो वाटरफॉल्स और छोटे छोटे कुंड बने हुए थे, वही नदी यहाँ पर आ रही है। और ये छोटा सा ब्रिज है यहाँ पर, अभी जाएंगे वहाँ पे भी। फिलहाल मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये है एंट्रेंस, अच्छा सही है, मैंने सॉक्स नहीं पहने हुए थे। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है। इधर को चलो। जय गणपति अप्पा, शीला देवी शैल माता के लिए पुत्री, जय माता दी। और ये माता का विश्राम करने के लिए। और ये जो है ये यज्ञशाला बना रखी है। तो ये मधु गंगेश्वर मंदिर है, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रिज पे। हाँ क्या कह रहे हो आदि भाई? मैंने कहा भंडारा भी करवाते हैं लोग ना गांव वाले। अच्छा भंडारा होता है। अच्छा बंदे रहते हैं। और ये ब्रिज देखिए कितना बढ़िया बना रखा है। अच्छा वहाँ पे आगे रास्ता है क्या? ये पैदल वाला रास्ता है। अच्छा तो आदि भाई बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना ये पैदल वालों के लिए रास्ता है, और हम अपनी गाड़ी से वहाँ से आए थे। दोस्तों ये वही रास्ता है जब हम कल आ रहे थे, तो मैं शूट कर रहा था बट एक्चुअली हुआ नहीं था कैमरे की दिक्कत की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ 8 मिनट की शूट करता है। ये जो मैंने अभी दिखाया आपको वेलकम टू लेंस डाउन। अब आगे जो भी रास्ता बढ़ेगा वो शायद आर्मी का स्टार्ट होने वाला। तो ये जो नीचे जो रास्ता है वो सारा आर्मी एरिया है, और हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर की साइड ले लिया है। अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का राउंड रह गया बस, और जाते ही सबसे पहले हमें लंच करना है क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। अगर मैं टाइम का बताऊँ तो टाइम बज रहे हैं 4:15, और अभी तक हमने लंच नहीं किया है। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये सारा आर्मी का एरिया है, जो कि मैं कल कवर नहीं कर पाया था जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। और ये जो जेट है यहाँ पर, आदि भाई ने बताया कि ये जेट बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने उड़ाया था। और अभी मैं आदि भाई और कन्हैया का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि वो पीछे उतर गए थे। एक्चुअली यहाँ दिक्कत ये है क्योंकि आर्मी का जो एरिया है ना, यहाँ पे ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ मैं ही आया हूँ अभी बाइक लेके, बाकी उनको पीछे उतार दिया था।
अब वो आएंगे तो बाकी देखते हैं क्या प्रोग्राम है आगे का। वेट कर रहा हूँ मैं अभी उनका। तो अभी आदि भाई ने बोला है कि आगे जो है एक आर्मी का गेट आएगा, मुझे उसके आगे जाके रुकना है। ये है यहाँ पर त्रिशक्ति। और ये है गोल चक्कर। अब मुझे जाना कहाँ है, आर्मी का गेट कौन सा वाला कहा उन्होंने, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा वाला आर्मी का गेट बोला उन्होंने। सीधा जाना है या राइट जाना है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। चलो उनका इंतजार करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ सोल्जर्स बने हुए हैं स्टैचू। अब ये है गढ़वाल राइवल्स, सॉरी गढ़वाल हाउस। एक्चुअली क्या है ना कि आर्मी की वजह से यहाँ पर चेकिंग भी चल रही है, तो ट्रिपलिंग के लिए मना कर दिया है। अगर ट्रिपलिंग करेंगे तो वो हमें रोक लेंगे और फिर फालतू का टाइम भी वेस्ट होगा और डाट अलग से पड़ेगी। तो सही है जवान है, जो कल कवर नहीं कर पाया था अब कवर कर रहा हूँ। ये है लैंसडाउन की मार्केट, यहाँ से शुरू है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बस एक गोल चक्कर ही है। तो बस जो यहाँ पर लैंसडाउन में ये एक गोल चक्कर है और यहाँ पे जो है शॉप बनी हुई है, ये होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, कुछ खाना पीना हो, बस ये गोल चक्कर है। बस इतनी ये छोटी मोटी मार्केट है और यहाँ पे नीचे उतरोगे छोटी सी यहाँ होगी दुकानें और उस तरफ पुलिस चौकी है। जो आदित्य भाई का घर है वो उस तरफ है, उस तरफ जाके